नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं देश की कुछ बड़ी खबर से। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है, मगर आज थोड़ी राहत भी देखने को मिली। देश में गुरुवार को कोरोना वायरस नए केसों और मौतों के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो कि राहत भरी खबर है। भारत में गुरुवार को करीब 4000 लोगों की कोरोना संक्रमण के दौरान मौत भी हुई है। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बड़ी गिरावट नहीं आई है, जिससे अब भी दहशत का माहौल व्याप्त है। मगर देश में एक दिन में कोविड 19 के 3,43,288 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 3,999 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,62,239 पहुंच गई है। इस दौरान 3,37,447 मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 37,10,525 मरीजों का अब भी इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 15.65% है, जबकि कोविड 19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर कुछ सुधर कर 83.26% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,97,34,823 हो गई, जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.09% दर्ज की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 12 मई तक 30,94,48,585 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 18,06,594 नमूनों की बुधवार को जांच की गई। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे पोर्टल नथुलाल के साथ। नमस्कार।